अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक इन टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो है व्हर्लपूल बाथ थेरेपी। व्हर्लपूल बाथ थेरेपी हमारे पास सुपरविजन हीलिंग मोडेलिटीज में थर्ड नंबर पे आती है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस, इंडिकेशंस, इफेक्ट्स, टेम्परेचर एंड ड्यूरेशन आल्सो। सबसे पहले जो हम डिस्कस करने लगे हैं कि हमारे पास इसका कौन सा प्रिंसिपल है जिसके ऊपर ये बेस करती है। द प्रिंसिपल ऑफ व्हर्लपूल बाथ थेरेपी इज द कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर विद द मैकेनिकल इफेक्ट्स ऑफ वाटर। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि आपके आपकी स्क्रीन के ऊपर हमारे यहाँ पे एक पिक्चर शो रही है, जिसमें हमारे पास एक व्हर्लपूल बाथ है। आप देख रहे हैं इसमें जो पानी है वो बिल्कुल स्टैटिक नहीं है, मतलब एक जगह खड़ा नहीं है। उसके अंदर एक ऐसी मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, टर्बुलेंस, मतलब टर्बुलेंस है कि मतलब उसके ऊपर लहरें आ रही हैं। वो इस तरह एक जगह रुका नहीं है, जैसे मशीन में हम कपड़े धोते हैं तो वो जो मशीन है वो एक जगह रुकती नहीं है, वो सर्कुलर मोशन में घूमती है, जिसकी वजह से वहां पे वापस एक इफेक्ट पैदा हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्बुलेंस फ्लो है, जिसकी वजह से एक तो हमारे पास टेम्परेचर होगा वाटर का, ठीक है, और दूसरी हमारे पास होगी मैकेनिकल इफेक्ट। टर्बुलेंस वेव थ्रो से हमारे पास मैकेनिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो हम इससे वाटर से थेरेपी करते हैं, जिसमें टेम्परेचर एंड मैकेनिकल इफेक्ट ऑफ वाटर इंक्लूड होती है। इसका कंबाइंड जो होता है ना, हमारे पास थेरेपी आती है। इसका जो वाटर का टेम्परेचर है वो 36 to 45 degrees Celsius है। हमने वार्म वाटर लेना है, ठीक है, 36 to 45 degrees Celsius है। और जो हमारे पास वाटर है वो टर्बुलेंस फ्लो प्रोड्यूस करता है। टर्बुलेंस से हमारे पास मैकेनिकल इफेक्ट आएगा और टेम्परेचर से हमारे पास 36 to 45 degrees Celsius से हमारे पास हीटिंग इफेक्ट आएगा, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास व्हर्लपूल बाथ थेरेपी का प्रिंसिपल बन जाता है। अब क्या होता है कि हमारे पास व्हर्लपूल बाथ जो हमारे पास है ना, वो डिपेंड अपॉन करते हैं साइज ऑफ अपरेटस, कि हमारे पास ये काफी साइज में भी मिल सकते हैं। अगर हमने लोअर एक्सट्रीमिटी को ट्रीट करना है तो वो अलग साइज में है, अगर हमने अपर एक्सट्रीमिटी को ट्रीट करना है तो वो अलग साइज में है। अपर मतलब एक्सट्रीमिटी मीन्स के हमारे पास अपर बॉडी और लोअर बॉडी, अगर हमने इनको अलग अलग करना है तो वो अलग अलग साइज में होंगे। अगर हमने पूरे बॉडी को ट्रीट करना है तो वो पूरी साइज में होगा, ठीक है। द पार्ट इज इमर्ज इन टू द वाटर एंड जेट स्टीम इज अलाउड टू प्रोड्यूस टर्बुलेंस इन हॉट वाटर। जो स्टीम होगी ना हीट से, हमारे पास जो वाटर है वो वार्म है, तो जिससे हमारे पास स्टीम प्रोड्यूस होगी और वो टर्बुलेंस हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगी, जिससे हम इस थेरेपी देते हैं पेशेंट्स को। इसका ड्यूरेशन क्या होता है, 15 to 20 minutes। इस थेरेपी का ड्यूरेशन है 15 to 20 minutes, हमने सिर्फ ये थेरेपी देनी है पेशेंट्स को। आगे आती है इंडिकेशंस के, कौन कौन सी ऐसे इंडिकेशंस होती हैं कि जिसमें हम यूज कर सकते हैं। पोस्ट इमोबिलाइजेशन स्टिफनेस के आपका ऑपरेट हुआ है, उसके बाद आपने डॉक्टर डॉक्टर ने आपको रेस्ट कहा है, तो आप रेस्ट कर रहे हैं और रेस्ट की वजह से हमारे पास जो जॉइंट है या मसल है वो स्टिफ हो गया है, तो उसे हम कहते हैं पोस्ट इमोबिलाइजेशन स्टिफनेस। उसमें हम यूज कर सकते हैं, जॉइंट पेन है उसमें यूज कर सकते हैं। जो वार्म व्हर्लपूल थेरेपी होती है ना, वो एक्सीलेंट होता है पोस्ट सर्जिकल मोडेलिटीज में, क्योंकि ये हमारे पास इंक्रीज करता है सिस्टेमिक ब्लड फ्लो, मतलब जिस पार्ट में हम ट्रीट करेंगे वो ब्लड फ्लो भी इंक्रीज होगा और रिमूव कर देगा वहां से वेस्ट प्रोडक्ट को, जो रिमूव कर देगा पेन को। इट इफेक्टिव यूज इन द स्पोर्ट मेडिसिन, कि जो स्पोर्ट्स वाले बंदे होते हैं ना, जिन्होंने स्पोर्ट्स खेलना होता है, वो भी इस थेरेपी को यूज कर सकते हैं, ताकि वो उनका बॉडी टेम्परेचर जो है ना वो ठीक रहे और मेंटेन रहे। इसमें एक कॉन्ट्राइंडिकेशन आती है कि ओपन वोन्स में हम यूज नहीं कर सकते, रिसेंट हेमरेज हुआ तब भी नहीं यूज करना, स्किन एलर्जी हुई तब भी नहीं यूज करना, और एक्जिमा और इन्फेक्शन या आपको इन्फ्लेमेशन है या इन्फेक्शन तब भी आपने यूज नहीं कर सकना। एक्जिमा क्या होता है, आप डायग्राम में देख सकते हैं हमारे पास स्किन का इन्फेक्शन हुआ है, ये रेड पैचेस बन गए हैं स्किन के ऊपर, तब भी हमने व्हर्लपूल बाथ थेरेपी नहीं देनी। नोट में लिखा हुआ है टू मेंटेन द प्रॉपर हाइजीन व्हर्लपूल बाथ जो होता है हमारे पास नीड करता है फ्रीक्वेंट सम डिसइंफेक्टेंट एंड एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। इसमें लिखा हुआ है कि अगर हमने उसकी हाइजीन को मेंटेन करना है तो हमने उसको जैसे हमने एक पेशेंट को ट्रीट किया तो हमने उसको अच्छी तरह क्लीन करवाना है, कोई भी डिसइंफेक्टेंट या एंटी माइक्रोबियल एजेंट डाल के हमने उसको क्लीन करवाना है, देन हमने नेक्स्ट पेशेंट के लिए इसको यूज करना है। थैंक यू फॉर योर लिसनिंग। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगी। थैंक यू।